सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। टीएसपीसी नक्सली कमांडर अनिश्चय को चतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली 5 लाख का इनामी उग्रवादी था। इसके पास से पुलिस ने 1,16,000 रुपए नगद व 4 मोबाइल भी बरामद की है। गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर पिपरवार थाना क्षेत्र के बहेरा स्थित किराए के मकान से हुई। टीएसपीसी सब जोनल कमांडर औद्योगिक नगरी टंडवा व बालूमाथ में आतंक का प्राय बना हुआ था। इन क्षेत्रों में वह बड़ी रकम की वसूली करने के साथ साथ संगठन का विस्तार भी कर रहा था। पुलिस अनिश्चय के तलाश में काफी लंबे समय से थी। आखिरकार सब जोनल कमांडर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। इस अभियान में एएसपी निगम प्रसाद, टंडवा एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम, महिला थाना प्रभारी गायत्री कुमारी, सीआरपीएफ 190 बटालियन के ऋषिकेश के साथ साथ सैट 153 के जवान शामिल थे। एसपी ने प्रेस वार्ता कर इस अभियान में शामिल तमाम अधिकारियों व जवानों को पुरस्कृत करने की बातें कही है। रात को 5 जून की रात को हमें सूचना मिली थी कि डीपीसी का जो सब जोनल कमांडर है कामाख्या गंजू उर्फ अनिश्चय गंजू उर्फ अनिश्चय जी, इसको अनिश्चय जी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, ये अपनी पत्नी से मिलने बहेरा गांव पिपरवार थाना आया है। इसके बाद एक टीम गठित की गई एडिशनल एसपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में, जिसमें कि एसडीपीओ टंडवा के साथ साथ सीआरपी के भी पदाधिकारी थे और महिला थाना प्रभारी भी थी। इन लोगों के द्वारा वहां पर रेड किया गया ग्राम बहेरा में। तो एक रेंटेड घर में अनिश्चय अपनी पत्नी के साथ वहां पर पाया गया। इसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 5 मोबाइल फ़ोन्स के अलावा करीब 1,16,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। ये 5 लाख रुपये का इनामी है, बहुत दिनों से टीपीसी के साथ है। इसके ऊपर करीब 15 कांड अभी तक हम लोगों को मिले हैं जो दर्ज हैं चतरा जिला के अलावा पलामू जिला में और लातेहार जिला में। और जो ये इसका खासकर कार्य यह था कि ये जो टंडवा और पिपरवार क्षेत्र में जो संचालित कोल परियोजनाओं से जो जुड़े हुए व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको डरा धमका कर इनसे लेवी लेना, और जो पहले जो एक कमेटी जो गठित थी, जो शांति संचालन समिति जो गठित थी, उसमें भी ये इसका रोल था। इसके अलावा जो पिछले साल एक जो 22/18 टंडवा का केस था, जिसमें यूएपीए में बहुत सारे लोगों के ऊपर हमने केस भी किया है इसको लेकर के, इसमें भी इसका नाम था। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं जो आर्म्स एक्ट से संबंधित केस हैं, 17 CLA एक्ट के केस हैं, आगजनी के केस हैं, इस पर दर्ज हैं। और ये करीब 10-11 साल से टीपीसी का सक्रिय सदस्य रहा है। अभी इसके पास से 1,16,000 रुपये कैश के अलावा 5 मोबाइल फ़ोन्स और कुछ बैंक के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। कुछ अकाउंट्स हैं जो इसके नाम पर भी हैं और कुछ अकाउंट्स हैं जो इसकी पत्नी के नाम पर भी हैं। हम उसकी भी जाँच कराएंगे, जो संबंधित बैंक ब्रांच है उससे भी जाँच कराएंगे कि ये कितने पैसे हैं, कहाँ से पैसे आए, अगर कोई गलत पैसा है, कोई ब्लैक मनी है उसमें, तो हम अकाउंट को भी फ्रीज करवाएंगे। टेरर फंडिंग का भी, बिल्कुल, इसमें टेरर फंडिंग के एंगल से भी जांच की जाएगी। और अगर लगेगा कि ये पैसे अपने अकाउंट्स में जमा करके कहीं पर इसका इस्तेमाल गलत तरह से कर रहा था, तो हम टेरर फंडिंग के अंतर्गत भी इस पर कार्रवाई करवाएंगे। सम्मानित, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो रिवॉर्ड मनी है वो जितने भी टीम में शामिल थे लोग, जो भी मतलब शामिल थे, जो गए भी थे और जिन्होंने इनपुट देने का भी काम किया था, सब में ये पैसा रिवॉर्ड का उसमें जाएगा। और इनको हमारी तरफ से कमेंडेशन लेटर भी मिलेगा और इनको सम्मानित भी किया जाएगा।